मूवीज लवर्स में आप देख रहे हैं मूवीज वाइव। आज मैं आपको तीन ऐसी हॉरर मूवी बताऊंगा जो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। पहली मूवी का नाम है एम्टीविल हॉरर जो 2005 में आई थी। मूवी कहानी जॉर्ज और केथी पर बेस्ड। जॉर्ज और केथी अपनी बेटी के साथ एक घर में रहने के लिए जाते हैं जिसके बाद वे उस घर के लिए बहुत खुश होते हैं। लेकिन उसकी खुशियां जब धरी की धरी रह जाती है जब उस घर में कुछ असामान्य घटनाएं घटने लगती है। उस असामान्य घटनाओं के कारण उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसके लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। दूसरी मूवी का नाम है ओइजा जो 2014 में। मूवी की कहानी एक लड़की पर बेस है जिसका नाम लाइन है। एक दिन लाइन एक जादुई बोर्ड का उपयोग करके उसकी दोस्त जिसका नाम देवी है उसकी आत्मा को बुलाना चाहती है। इसके लिए अपने सभी दोस्तों से मदद मांगती है जिसके बाद उस आत्मा से संचार करने के बाद सभी दोस्तों के साथ अजीब और विचित्र घटनाएं घटने लगती है। उन सभी दोस्तों का क्या होता है इसके लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। तीसरी मूवी का नाम है जीपर्स क्रीपर्स जो 2001 में आई थी। मूवी की कहानी दो भाई बहनों पर बेस है जिनका नाम डेनी और ट्रिस है। एक दिन घर लौटते समय डेनी और ट्रिस की गाड़ी खराब हो जाती है जिसके कारण वे एक घर में मदद मांगने के लिए जाते हैं जहाँ पर एक ऐसा आदमखोर जानवर रहता है जो हर 23 साल में जागता है। लेकिन इसी दौरान डेनी उस आदमखोर जानवर को देख लेता है जिसके बाद वह आदमखोर जानवर डेनी का शिकार करने के लिए निकल जाता है।